हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आप सबके? आई थिंक सो अच्छे होंगे सभी। हम रिओप्टिक्स की लास्ट वीडियोस पे पहुंच चुके हैं, लास्ट टॉपिक्स पे पहुंच चुके हैं। हम आपको याद होगा पढ़ रहे थे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम स्पेशली जो है टॉपिक पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में सिंपल माइक्रोस्कोप। वो हमने आई थिंक सो कंप्लीट कर लिया था, उसके वेरियस केसेस भी मैंने डिस्कस कर लिए थे। तो आज की वीडियो का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड किस तरह से ये काम करता है, एंड इसके मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आता है कि सर कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्या और कैसे ये सिंपल माइक्रोस्कोप से अलग है। देखिए डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है, डेफिनेशन वही एज इट इज कि ये इंस्ट्रूमेंट ही तो है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही तो है। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या काम करता है? वही सेम इंस्ट्रूमेंट जो क्या काम आता है, यूज्ड टू सी मैग्निफाइड इमेज, जिसका हम यूज करते हैं मैग्निफाइड इमेज देखने के लिए। किसकी? बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स की, ऑफ टिनी ऑब्जेक्ट्स। हमें छोटों को ही तो बड़ा करके देखना है, यही सेम जो है इसकी डेफिनेशन है जो आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ी थी। कुछ अलग नहीं है सिंपल माइक्रोस्कोप से। एंड सेकेंड वन जो पार्ट आता है वो आता है इसका कंस्ट्रक्शन का, कि ये बना कैसे है। अब यहाँ पर डिफरेंस आएगा इसका किससे, सिंपल माइक्रोस्कोप से, क्योंकि उसमें तो एक ही लेंस का यूज़ होता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो किससे बना होता है, कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंस। इसमें दो कन्वेक्स लेंस यूज किए जाते हैं, ठीक है। जनरली जो होते हैं ये ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ के होते हैं, शॉर्टर फोकल लेंथ के। फोकल लेंथ वाइज दोनों ही छोटे होते हैं फोकल लेंथ। अच्छा, साइज में या अपर्चर में डिफरेंस होता है वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर जो मेन याद रखने वाली बात है कि इसमें दो कन्वेक्स लेंस यूज होते हैं और दोनों ही कम फोकल लेंथ वाले यूज होते हैं, जिससे एक्चुअल में मैग्नीफाइंग पावर है वो ज़्यादा मिलती है। अब इनमें जो है दो फोकल लेंथ फोकस जो है सॉरी दो कन्वेक्स लेंस में जो पहला होता है, जो जनरली ऑब्जेक्ट के पास होता है, हम उसको ऑब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो हमारी आँख के पास होगा उसको आई पीस बोलते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? जो टुवार्ड्स होता है किसके, ऑब्जेक्ट के, टुवार्ड्स ऑब्जेक्ट के होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी इसकी बात बताऊँ आपको, जनरली इसकी फोकल लेंथ को हम एफ ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। और साइज या अपर्चर की बात करें, इसके हम साइज की बात करें और इवन अपर्चर इसी के अंदर इंक्लूड कर दो, तो बेटा ये स्मॉल साइज का होता है, छोटे साइज का होता है। वहीं अगर मैं आपको दूसरे बताना चाहूँ कि आई पीस की बात करें, जो हमारी आँख के पास होता है, जनरली आई पीस को ओकुलर के नाम से भी जाना जाता है, अपन यहाँ पर सिंपली आई पीस ही लिख रहे हैं। तो जो आई पीस नाम से ही आप आइडिया लगा पा रहे हो, इसको आई पीस क्यों कहा गया, क्योंकि हमारे आंख के नज़दीक होगा, फिर दो लेंस में एक ऑब्जेक्ट की तरफ होगा और एक हमारी आई के नज़दीक होगा। तो ये है टुवार्ड्स आई, इसकी फोकल लेंथ को एफ ई से लिख देंगे। और इसकी साइज की बात करें तो ये साइज में बेटा लार्ज होगा, अपर्चर में भी लार्ज होगा एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्टिव के। अब दोनों जो होते हैं ना ये लेंस, चाहे आई पीस है चाहे ऑब्जेक्टिव है, ये क्या होते हैं, प्लेस्ड इन अ ट्यूब, एक ट्यूब के अंदर होते हैं, वो भी कैसे, कोएक्सली, एक ही एक्सिस होता है इनका, कॉमन एक्सिस पे रखे होते हैं। और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन देम, अच्छा इनके बीच के डिस्टेंस को ना अपन लेंथ ऑफ ट्यूब एल से भी लिखेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा, कैन बी चेंज्ड भी, हम इनके बीच के डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, कैन बी चेंज्ड कैसे, बाई रेक एंड पिनियन अरेंजमेंट, रेक एंड पिनियन अरेंजमेंट। हम रेक एंड पिनियन अरेंजमेंट, एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट होता है, आपसे ऐसे समझो स्क्रूज लगे होते हैं जिनकी हेल्प से दोनों के बीच के डिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है। अभी फिलहाल रेक एंड पिनियन अरेंजमेंट पे ज़्यादा नहीं जाना डिटेल में, ठीक है। अभी हम क्या करना है, हमें एक्चुअल में पढ़ना है इनका कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दोनों केसेस को। तो अभी हमने जस्ट कंस्ट्रक्शन लिखी, अब वर्किंग तो डिपेंड करता है कि हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं। लेट अस सपोज मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि जो फाइनल इमेज है ना, व्हेन फाइनल इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको अपन
कैपिटल डी लिखते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जो लेंस है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ये जो दोनों लेंसेज का सिस्टम है, इसकी वजह से जो फाइनल इमेज बनेगी बिल्कुल वो डी पे बनेगी। ये हमारा फर्स्ट केस है, पहले हम इस केस को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों लेंसेज को बनाना है लेकिन एक स्टेप स्टेप बाय स्टेप बनाए। तो हमने क्या किया, पहले हमने फर्स्ट लेंस बनाया। तो लेट अस सपोज बेटा ये पहला लेंस है, तो ये छोटा ही लेंस बनाते हैं जनरली, ये हमने छोटा लेंस बना दिया। ये है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास होगा। अब हमें बनाना है एक कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस जो दोनों लेंसेज के लिए होगा, तो मैंने एक कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस भी बना दिया इस तरह से। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर O1 नाम दे दिया, बिकॉज दो लेंस होंगे ना उसको O2 के नाम से जान लेंगे। अब इसका फोकस पॉइंट भी होगा कुछ ना कुछ, बिल्कुल सर, इसका मान लीजिए ये वाला फोकस पॉइंट है ऑब्जेक्टिव लेंस का, इधर दूसरी साइड भी होगा, उसको हम बाद में बना लेंगे, अभी फिलहाल के लिए हमने इतना ही बनाया। अच्छा, मैं इस ऑप्टिकल सेंटर को प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। अब यहाँ पर समझने वाली बात है बेटा, ध्यान से सुनना, ये पहला लेंस है ऑब्जेक्ट के पास जो होता है, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दूँ O1 और FO के बीच में, तो ये पहला लेंस है उसकी वर्चुअल और बड़ी इमेज बना देगा, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के दूसरे लेंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हमें तो दोनों की वजह से कंबाइंड इमेज फॉर्मेशन देखनी है, तो FO पे रख के देखूँ तो यहाँ पर रखने पे तो इन्फिनिटी बन जाएगी, तो कुल मिला के मुझे ऑब्जेक्ट है वो एफ नोट से पीछे इधर कहीं रखना है। तो मैंने क्या कंसीडर किया, मैंने कंसीडर कर लिया भी ठीक है मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लिया, नाम भी दे सकते हो उसका, तो मैंने इसका नाम रख दिया ए बी। ठीक है, ए बी मैंने इसका नाम रख दिया, जो कि हमारे इस लेंस से अगर मैं डिस्टेंस वाइज बात करूँ तो ये बेटा यहाँ से कुल मिला के यू ओ डिस्टेंस पे है। यू ओ क्यों लिखा, बिकॉज ऑब्जेक्टिव वाले लेंस से ये डिस्टेंस है, यू ओ लिख दिया। हमें इसकी इमेज फॉर्मेशन करनी है, तो चलो इसकी इमेज फॉर्मेशन करते हैं। इमेज फॉर्मेशन आपको पता होगा कैसे होता है, तो मैंने क्या किया, इसमें से दो रेज बनाई, एक मैंने इसमें से पैलर रे निकाल दी और दूसरी मैंने वो निकाल दी जो ऑप्टिकल सेंटर में से जाती है। आपको पता होगा ऑप्टिकल सेंटर वाली रे सीधी ही चली जाती है और वहीं पैलर वाली रे फोकस में से होके चली जाती है। तो ये मान लीजिए कुछ इस तरह से रेज इधर आ गई, और यहाँ पर अगर मैं आपको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो देखो पहली रे आई थी इस तरह से, ये दूसरी रे आई थी, पहली रे जो पैरेलल आई थी वो ऑप्टिकल सेंटर में से होके चली, जो फोकस में से होके चली गई, ये इसका बेटा एफ ओ वाला पॉइंट था, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर वाली वो तो सीधी ही चली गई, और फाइनली दोनों यहाँ पर आके मिल गई। और शायद आपको इस बात का पता है बेटा, जहाँ पर रेज आके मिलती हैं यानी वहाँ पर इमेज बन जाती है, तो यहाँ पर बन चुकी है इमेज, इसका नाम रख दिया ए डैश बी डैश। और यहाँ पर एक चीज़ और दिखाना चाहूँ तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये तो ये इमेज बनी है यहाँ पर, तो मैंने इसको वी ऑफ ओ लिख दिया, बिकॉज ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस है। पहले लेंस का हमने जो है इमेज फॉर्मेशन कर लिया, पहले लेंस ने जैसा काम करना था वो कर दिया। अब सिर्फ यही लेंस थोड़ी है, हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं सर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक नहीं दो दो लेंस होते हैं सर, एक लेंस और भी है और वो बड़े वाला है, तो हम उसको रखें कहाँ, हम उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। कैसे, हम अगर चाहते हैं कि फाइनल इमेज डी पे बने, तो लेट अस सपोज मैंने क्या किया, उस लेंस को मूव करते करते मैं यहाँ रख देता हूँ इस जगह पे, तो मैंने ये जो रखा ये दूसरा लेंस रखा है, ये कौन सा है, ये आई पीस है, और मैंने उसको इस तरह से एडजस्ट किया कि भाई ये जो ए डैश बी डैश है ना, ए डैश बी डैश, ये दूसरे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में और इसके फोकस के बीच में आ जाए, तो ये मैंने इसका फोकस मान लिया एफ ऑफ ई। ठीक है, ये दूसरे लेंस का है क्योंकि मुझे फाइनल इमेज बड़ी चाहिए ना, और आपको पता है एक लेंस बड़ी इमेज कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट उसके ओ और एफ के बीच में हो, तो इसलिए मैंने दूसरे लेंस को एडजस्ट किया, या आप लिख सकते हो कि हमने ये एडजस्ट किया रैकन पिनियन अरेंजमेंट की हेल्प से, ताकि फाइनली इमेज हमें डी पे मिले, तो हमने इस तरह से इसको बना दिया। अब इमेज फॉर्मेशन करते हैं, चलो इसमें से फिर से दो रेज दिखा दो, एक रे ये बना रही है आपने और एक रे आप बता दो बेटा ऑप्टिकल सेंटर वाली, ये ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी चली गई और ये जो है बेटा आपकी, आपको पता है फोकस में से चली जाएगी, तो भाई ये इधर फोकस से चली गई, ये पॉइंट हुआ एफ ऑफ ई।
ठीक है, हमने दो रेज बनाई थी, बिल्कुल सर आपने दो ही रेज बनाई हैं, एक रे ऑप्टिकल सेंटर वाली जो सीधी चली गई, दूसरी पैरेलल बनाई हमने प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस में से होके चली गई। ये दोनों रे इधर तो कभी मिलेंगे नहीं, कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेंगे क्योंकि डाइवर्स हो रही है, लेकिन अगर हम इनको बैक में ड्रॉ करें तो शायद इनके चांस है कि हाँ सर लग रहा है ये कहीं मिल रही हैं। तो मैंने इसको जैसे बैक में ड्रॉ किया, यहाँ लेट अस सपोज ये यहाँ आई है, और मैंने सेम एज इट इज़ जब इसको भी बैक में ड्रॉ किया तो ये भी कहीं यहाँ पर आ रही है। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ, ये मान लीजिए यहाँ पर आके मिल रही है। तो जब दोनों यहाँ पर आई इस जगह पे, तो यानी यहाँ पर क्या बन गई, यहाँ पर इमेज बन गई, फाइनली इमेज यहाँ पर बनी। तो मैंने इसका भी नाम रख दिया, मैंने इसका भी क्या कर दिया बेटा, नाम रख दिया। तो मैं इसको पहले यहाँ पर मिलाता हूँ, ये इसको इस जगह को नाम दे देता हूँ ए डबल डैश, और इस पॉइंट को नाम देता हूँ बी डबल डैश। तो फाइनली यहाँ पर इमेज बन गई, ठीक है, क्या नाम दिया बेटा, इस फाइनल इमेज को नाम दिया ए डबल डैश और बी डबल डैश मैंने नाम दे दिया इस पॉइंट को। तो ये फाइनल इमेज बना दी जो दूसरे लेंस ने बनाई, और ये कहाँ बनाई, हमने माना कि भाई ये जो है ना डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक का ये डी है, या ये दूसरे लेंस के लिए इमेज का डिस्टेंस है, इसको मैं वी ई लिख देता हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। अच्छा, दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है सर, ये रहा दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ, ये तो ये है वी ऑफ सॉरी यू ऑफ ई, यू ऑफ ई। तो हमने दोनों लेंसेज से डिस्टेंसेज दिखा दी, सब कुछ रिप्रेजेंट कर दिया, और फाइनल इमेज हमारे पास डी पे बनी है। अब आपको पता होगा कि यार चाहे हम सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़े चाहे कंपाउंड पढ़े, हमारा मेन मकसद होता है मैग्नीफिकेशन से, मैग्नीफाइंग पावर से, सॉरी अल्फा एंगल को बीटा करना होता है। अब अल्फा एंगल क्या होता है, बीटा एंगल क्या होता है, देखिए बेटा अगर आप सोचो जरा, हम एक ऑब्जेक्ट को, ये इसी पर्टिकुलर केस में जो आप देख पा रहे हो, अगर मैं इस ए बी ऑब्जेक्ट को यहाँ ना रख के यहाँ रखता, लेट अस सपोज इस जगह पे मैं ऑब्जेक्ट को रखता, मैं इसको किसी और कलर से दिखा देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, मान लीजिए मैं बेटा यहाँ पर रख देता इस जगह पे रखता, ठीक है ना, इस ए को, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया एक्स, तो एक्स बी डबल डैश ए बी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ रखता, और हम ऑब्जेक्ट को इनिशियली रखते कहाँ पर बेटा, यहाँ पर रखते, तो ये हमारी आई के साथ यानी इस ओ पॉइंट के साथ जो एंगल बनाता, ये अल्फा एंगल होता, कितना एंगल होता अल्फा, जब ऑब्जेक्ट हमारा डी डिस्टेंस पे होता तो अल्फा एंगल बनाता। लेकिन अब क्या है, हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा पीछे खिसका दिया ए बी, और दोनों लेंसेज की हेल्प से फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश जो है वो अभी भी डी पे बन रही है, लेकिन कितने एंगल के साथ, इस एंगल के साथ जो कि है बीटा। तो देखो अल्फा से कैसे बीटा एंगल मिल गया, अभी भी दिख हमें डी पे ही रहा है, पहले आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डी पे रख के देखते, अब आप उसकी फाइनल इमेज को डी पे रख के देख रहे हो, तो इस तरह से आपने अल्फा को बीटा में बदल दिया। यही तो हमें करना था, हम इन इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से, हम इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, यही तो है कि हम विजुअल एंगल को बढ़ा देते हैं, और हमने विजुअल एंगल को बढ़ा दिया, यही हमारा मेन काम था। अब हमें डिफाइन क्या करना है, अब हम डिफाइन करते हैं इसमें मैग्नीफाइंग पावर को, किसको बेटा, मैग्नीफाइंग पावर एम से लिखते हैं मैग्नीफाइंग पावर। आपको पता भी है मैग्नीफाइंग पावर एक्चुअल में बेटा होता क्या, मैग्नीफाइंग पावर होता है, अब मैं आपको थोड़ा सा पहले इसको डायग्राम को यहाँ ले आता हूँ ताकि उससे आप कंपेयर करके देख पाएं, डायग्राम को इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ क्योंकि इसकी हेल्प से तो हमें चीज़ें पता लगेंगी, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर एक्चुअल में होता क्या है, मैग्नीफाइंग पावर होता है कि भाई देखो ये बीटा बना है ना, ये इमेज का एंगल बना है, अल्फा बना है ना ऑब्जेक्ट का एंगल, कब जब दोनों को डी पे मान के रखा, तो लिख सकते हैं कि सर मैग्नीफाइंग पावर एक्चुअल में क्या होता है, रेशो होता है, रेशो किसका, रेशो ऑफ एंगल जो बनाया सबटेंडेड बाई इमेज, यानी यहाँ बीटा की बात हो रही है, ठीक है, एंड एंगल जो बनाया किसने, सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, यानी यहां पर अल्फा की बात हो रही है, ठीक है, विद आई आंख के साथ, व्हेन जब दोनों का हो, व्हेन बोथ आर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन,
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी जब दोनों डी पे हों, दोनों डी पे ही रख के हमने एंगल मेजर किए हैं। ये देख लो, अल्फा एंगल भी तब मेजर किया जब ऑब्जेक्ट को डी पे माना, बीटा एंगल जब इमेज को हमने कहाँ पर माना, डी पे माना। तो इस तरह से एम जो आपके पास आया बेटा वो बीटा बाई अल्फा आया। अब आपको पता है एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल्स क्या हैं, आर वेरी स्मॉल, तो क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ बीटा, और इसको लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ अल्फा। बस इन दोनों की वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ से भी पुट कर देंगे। अच्छा, आई हम ना यहाँ पर ये कंसिडर कर रहे हैं, आई बिल्कुल लेंस के दूसरे लेंस के पीछे, तो हम टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकालते हैं। देखो टेंजेंट ऑफ बीटा निकालो पहले, तो टेंजेंट ऑफ बीटा देखो ये रहा एंगल हमारा, ठीक है ना, इस तरह से। तो क्या है ये ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाय ओ टू से बी डबल डैश, ओ टू से बी डबल डैश। इसी तरह से मैंने टेंजेंट ऑफ अल्फा भी कैलकुलेट किया, टेंजेंट अल्फा देखो ये रहा, ये रहा अल्फा, तो एक्स बी डैश, एक्स बी डबल डैश सॉरी, डिवाइड बाय ओ टू बी डबल डैश, ओ टू बी डबल डैश। अच्छा, एक्स बी डबल डैश को क्या लिख सकते हो, एक्स बी डबल डैश को ए बी ही लिख सकते हैं हम, तो इसको ए बी डिवाइड बाय ओ टू बी डबल डैश लिख सकते हैं। अब दोनों ही वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो एम जो आएगा वो आएगा टेंजेंट ऑफ बीटा, बीटा है ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाय ओ टू बी डबल डैश मल्टीप्लाई, इसको उल्टा लिख देंगे ना, ओ टू बी डबल डैश डिवाइड बाई ए बी। तो कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, बिल्कुल सर कैंसिल तो यहाँ पर हो रहा है, ये चीज़ इससे कैंसिल हुई, तो हमारे पास जो फाइनली जो बचा यहाँ पर वो बचा बेटा ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए बी। एम की हमारे पास एक वैल्यू आ गई। तो पहले तो मैं फिर से हम क्या करते हैं, डायग्राम ले आते हैं, क्योंकि इसकी तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी हमें, इसी से तो हमारा जो है जो डेरिवेशन होगा। तो इसको मैं एक बार यहाँ इस तरह से रख देता हूँ, ठीक है। हम अभी भी कैलकुलेट कर रहे थे, हमारे पास एम जो आया था वो बेटा ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए बी आया था। मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया ए डैश बी डैश से और इसी से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से हुआ क्या, देखिए ऐसा करने से बेटा हमारे पास एक एक चीज़ बनी। देखो अगर मैं इस फैक्टर को इधर लिखता हूँ और दूसरे फैक्टर को मैं इसके साथ लिखता हूँ, तो ये कुछ आपको दिखाई देगा कैसे, ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डैश बी डैश मल्टीप्लाई बाई ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी। अगर आप बेटा ज़रा ध्यान दें इस फर्स्ट फैक्टर पे, ये आप फर्स्ट फैक्टर पे अगर आप ध्यान देंगे इधर इस वाले पे, ये एक्चुअल में है क्या, ये दूसरे लेंस ने जो इमेज बनाई ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइड बाय ए डैश बी डैश दूसरे के लिए जो ऑब्जेक्ट है, और ये पहले लेंस की इमेज डिवाइड बाय पहले लेंस का ऑब्जेक्ट, यानी हमारे पास क्या आया बेटा, ये दोनों जो आए ना ये मैग्नीफिकेशन आ गए। ये मैग्नीफिकेशन है किसकी, ये मैग्नीफिकेशन है आई पीस की, और ये किसकी है मैग्नीफिकेशन, ऑब्जेक्टिव की। तो हमारे पास पहले तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन चुका है कि अगर हम एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं तो वो मैग्नीफाइंग पावर क्या आती है, मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस मल्टीप्लाई बाय मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला, तो आपको मे बी एक नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है कि आपसे पूछ ले कंपाउंड माइक्रोस्कोप में टोटल मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, वो दोनों की मैग्नीफिकेशन का मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है एम ई की और एम ओ की, दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। देखो जरा, सबसे पहले मैंने आपसे कहा चलिए ठीक है हम पुट करते हैं यहाँ पर एम ओ की, ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव है ये पहला लेंस, तो मैग्नीफिकेशन आपको पता है जस्ट इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो पहले लेंस ने इमेज बनाई है, देखो ये रही वी ओ डिवाइड बाय यू ओ, और यू ओ को माइनस का लेना है बिकॉज लेफ्ट में है, वी ओ तो राइट में था तो प्लस का ही लिया। ऐसे ही आई पी एस की, तो आई पी एस ये वाला है, तो ये फाइनल इमेज एट डी पे बना रहा है, और हमें पता है जब फाइनल इमेज एट डी बनती है तो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो वन प्लस डी बाई फोकल लेंथ होती है। ये कब होती है, जब फाइनल इमेज कहाँ हो, इमेज एट डी हो। ये हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में डेरिवेशन किया था, तो ये वो वाला फॉर्मूला मैं उठा के लाया हूँ। अब ये दोनों वैल्यूज़ क्या करते हैं, इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन। तो इक्वेशन नंबर वन में पुट करते ही ये कुछ ऐसे बना, m इज इक्वल्स टू, मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, तो वी ओ बाई माइनस का यू ओ इंटू में वन प्लस डी बाई एफ ऑफ ई,
तो हमारे पास इस तरह से एक फॉर्मूला बन चुका है मैग्नीफाइंग पावर का। लेकिन ये फॉर्मूला बेटा अभी भी एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है। ये क्यों नहीं है? बिकॉज ये वी और यू की टर्म में, हालांकि न्यूमेरिकल के लिए यूज़ किया जा सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट हम थोड़ा सा इसको फोकल लेंथ की टर्म में बदलना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मैंने आपसे कहा, ज़रा ध्यान से देखना, इस पहले लेंस के और दूसरे लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है इसको लेंथ ऑफ ट्यूब एल बोलते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब एल। अब मैं आपसे बोलूं कि इफ़, ज़रा ध्यान से डायग्राम से देख के पता लगेगा, इफ़ यू नोट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ नोट, यानी इस ऑब्जेक्ट को मैं उठा के थोड़ा सा आगे ले आऊं और इस फोकस पे ले आऊं, तो ये जो इमेज है ये भी थोड़ी सी ऐसे आगे खिसक के ओ टू के करीब पहुंच जाएगी। जैसे ही ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे आएगा तो ये जो यू नोट है अप्रोक्सीमेटली एफ नोट के बराबर हो जाएगा और ये जो वी नोट है अप्रोक्सीमेटली एल के बराबर हो जाएगा। तो वी नोट अप्रोक्सीमेटली बिकम एल, ये दोनों वैल्यूज ऊपर पुट कर देते हैं तो बेटा हमारे पास जो m आया वो क्या आया, l बाय माइनस का f o 1 प्लस d बाय f of e। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास बना फाइनली बेटा यही क्या है, यही है रिक्वायर्ड फॉर्मूला। रिक्वायर्ड फॉर्मूले का मतलब कि ये हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ गया, किसके, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, जब हम फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी पे देखना चाहते हैं। दिस इज़ द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में अगर आप ज़रा ध्यान से देखोगे तो आपको बेटा एल बाई एफ ओ माइनस का इंटू में वन प्लस डी बाई एफ ऑफ ई, ये चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, हर एक चीज़ का अपना एक अलग मीनिंग है। यहाँ पर L आपको बता दूँ लेंथ ऑफ ट्यूब है, एफ ओ ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है, D लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है और एफ ई है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। अच्छा, माइनस का क्या मीनिंग है, न्यूमेरिकल में क्या करना है, वो लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबका कंबाइंड बताऊँगा, अभी नहीं बता रहा। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ जाता है कब, जब हमें फाइनल इमेज बनानी हो। कहाँ पर, फाइनल इमेज इज एट डी पे। अब इसी के जैसा, बिल्कुल इसी के जैसा, अब हम एक और पार्ट करते हैं कि जब हमको फाइनल इमेज जो है इन्फिनिटी पे चाहिए, व्हेन फाइनल इमेज जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, इज एट इन्फिनिटी। हम फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनाना चाहते हैं तब, उस केस पे। तो इसका डायग्राम भी आसान है और डेरिवेशन भी आसान है, दोनों ही चीज़ें आसान हैं। तो हमने क्या किया बेटा, इसके अंदर भी बिल्कुल सेम उसके जैसा ही डेरिवेशन करते हैं, सेम वैसा ही होगा कुछ। तो हमने क्या किया, फिर से एक लेंस बना लिया, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, एक कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं दोनों का, दोनों लेंसेस का। तो हमने ये बेटा बना दिया कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब ये पहला लेंस है हमारा ऑब्जेक्टिव, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर ओ वन, और ये मान लीजिए बेटा इसका फोकस पॉइंट है एफ ऑफ ओ का। ठीक है, हमने ये भी बना लिया। अब थोड़ा सा इसको मैं इधर खिसका देता हूँ एक बार, ठीक है, क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, हमें क्या करना है, हमने इसके सामने एक ऑब्जेक्ट को रखना है। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, देखिए बेटा यहाँ रखेंगे तो इसकी बड़ी और वर्चुअल इमेज बना देगा, कोई फायदा नहीं। एफ पे रख देंगे तो इन्फिनिटी पे बना देगा, तो दूसरे लेंस का यूज़ ही नहीं होगा, इसलिए मुझे दूसरे लेंस का भी यूज़ करना है। इसलिए मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा इसके एफ के पीछे रखा। ठीक है, तो ये हमने ए बी नाम से एक ऑब्जेक्ट बना दिया जो लेंस से कुछ डिस्टेंस पे है। इस डिस्टेंस को अभी दिखा दो, वरना बाद में भी दिखा सकते हो। ये डिस्टेंस है यू ऑफ ओ, ये जो डिस्टेंस है, इसकी इमेज फॉर्मेशन करते हैं। इमेज फॉर्मेशन मतलब यहाँ से जब रेज निकलेंगी वो कैसे इमेज बनाएंगे। तो देखो, एक रे पैरेलल भेज दी हमने, एक रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से भेज दी। ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी चली जाती है, आपको पता है, उसको कहीं मोड़ने की जरूरत नहीं। और ये सीधी वाली, ये प्रिंसिपल एक्सिस से होके जाएगी और कुछ ऐसे ही निकल जाएगी। मान लीजिए यहाँ कहीं निकल गई, तो एक रे हमने पैरेलल भेजी थी जो फोकस पे से होके गई, ये मान लीजिए फोकस है एफ ऑफ ओ मान लेता हूँ। दूसरी रे जो है वो सीधी चली गई इधर की तरफ, दोनों यहाँ पर मिली इस जगह पे, जहाँ पर रेज मिलती हैं वहाँ इमेज बन जाती है। तो यहाँ पर इमेज बन चुकी है और ये मान लीजिए इमेज है, ठीक है, नाम दे दें इसका ए डैश बी डैश। इतना काम खत्म, पहले लेंस का काम खत्म हुआ। अच्छा, पहले लेंस से ये इमेज कितनी दूर बनी है ये भी हम दिखा देते हैं। यहाँ पर ये मान लीजिए वी ऑफ ओ है, ऑब्जेक्टिव से तो बना ये। अभी हमें दूसरा लेंस भी लगाना है क्योंकि फाइनल इमेज हम दूसरे की हेल्प से देखते हैं, और आपको सिचुएशन में बहुत अच्छे से बता दिया कि हमें फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे चाहिए।
तो दूसरा लेंस कहां पर रखो कि इमेज इसकी ए डैश बी डैश की इमेज इन्फिनिटी पे बने। तो आप सबको पता है जब भी हम क्या करते हैं एक लेंस को इस तरह से रखें कि ऑब्जेक्ट उसके कहां पर आ जाए बेटा, ऑब्जेक्ट उसके फोकस पे आ जाए, यानी ये जो पॉइंट है ये दूसरे लेंस का क्या होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। दूसरे लेंस का क्या होना चाहिए, फोकस किसका, आई पीस का। अगर ऐसा हमने ऑब्टेन कर दिया कि भाई ये जो ए डैश बी डैश है ये क्या हुआ, दूसरे लेंस के फोकस पे आ गया, कैसे हम इसको एडजस्ट करेंगे ना, तब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बना देगा। सर बिल्कुल बना देगा, बना के देखे। तो एक रे हमने पैरेलल भेजी, दूसरी रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से भेजी, ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी चली जाएगी और पैरेलल वाली है ये फोकस से होके जाएगी, फोकस से होके इधर चली गई। तो हमने दोनों रेज दिखा दी, ये ऑप्टिकल सेंटर वाली जो सीधी जा रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वाली ये फोकस में से होके जा रही है एफ ऑफ ई में से। ये दोनों पैरेलल हो गई और पैरेलल होने का मतलब पता है कहाँ जा रही है, ये एट इन्फिनिटी जा रही है, तो यानी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन गई। ये डिस्टेंस क्या है, ये दूसरे लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है जो कि इनडायरेक्टली फोकल लेंथ के ही बराबर है। अच्छा, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे जा रही है तो ये एंगल जो बन रहा है बेटा ये बीटा है, ये एंगल आप जो देख पा रहे हो ये बेटा क्या है, ये बीटा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये रहा एक्चुअल में, लेकिन हम अल्फा एंगल क्या डिफाइन करते हैं, अगर आपको याद होगा हम अल्फा एंगल क्या डिफाइन करते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, डी पे हो, तब उसका जो एंगल होता है वो क्या होता है, अल्फा होता है। तो मैं उसको अलग से डायग्राम से दिखाता हूँ। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ बनाते हैं इस तरह से, यही ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, ऊपर वाले डायग्राम में ये दिख रहा है ना, ये ए बी। अगर मान लीजिए बेटा ये ऑब्जेक्ट कहाँ होता, एट डी पे होता, कहाँ होता, एट डी पे, यानी ये जो डिस्टेंस है बेटा ये क्या होता, ये डी होता ये वाला, तो ये जो एंगल बना रहा होता वो अल्फा होता। लेकिन अब हमने ऑब्जेक्ट को ए बी को यहाँ रखा है, दो लेंस लगाए और फाइनली इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है विद एंगल बीटा। अब डिफाइन करते हैं मैग्नीफाइंग पावर, अगेन सेम उसी तरह से जैसे पीछे वाले केसेस में डिफाइन किया था, मैग्नीफाइंग पावर एम से ही लिखना है इसको भी, वही सेम होता क्या बेटा, ये रेशियो ही तो होता है, रेशियो किसका, रेशियो ऑफ एंगल जो बनाया किसने, सबटेंडेड बाय इमेज, यानी यहाँ पर बीटा की बात हो रही है, जो कहाँ पर इमेज एट इन्फिनिटी है, किसके साथ, विद एंगल जो किसने बनाया, सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, जो डी पे है, विद आई, यानी एम वही है, एम क्या है, अभी भी बीटा बाय अल्फा ही है, बस इस बार बीटा और अल्फा अलग अलग होंगे जो कि आपको पीछे वाले डायग्राम में दिख रहे हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं अपन इनको कॉपी कर लेते हैं, अगले पेज पे इनको ले आते हैं ताकि इनको देख के अपन इजीली डेरिवेशन कर सकें। इनको मैं यहाँ ले आया, इसको थोड़ा छोटा बना देता हूँ, तो यहाँ इनको हम रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम अल्फा बीटा जो है उनको क्या लिख सकते हैं, अब एंगल जब छोटे होते हैं तो इसको हम टेंजेंट ऑफ बीटा लिख देते हैं, तो इसको हम टेंजेंट ऑफ अल्फा भी लिख देते हैं। अब हमें टेंजेंट अल्फा और बीटा की वैल्यूज लिखनी है पहले, तो आप डायग्राम में देखेंगे अगर आपको पता लग रहा है, जो टेंजेंट ऑफ अल्फा है, अल्फा तो यहाँ से निकल आएगा, तो ये क्या है एक्चुअल बेटा, ये ए बी बाई डी है, और जो टेंजेंट ऑफ बीटा है वो यहाँ से मिल जाएगा, वो क्या है बेटा, वो है ए डैश बी डैश बाई यू ऑफ ई, या जिसको एफ ई लिख सकता हूँ, माइनस का लिख दो क्योंकि बिकॉज वो लेफ्ट में है, ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा, ये माइनस का डी भी लगाना बिकॉज ये लेफ्ट में था। तो टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा हमारे पास आ चुके हैं, अब दोनों की वैल्यूज जैसे ही पुट करते हैं तो एम हमारे पास क्या आया बेटा, एम हमारे पास आया ए डैश बी डैश बाई माइनस का एफ ऑफ ई मल्टीप्लाई बाई, ये उल्टा हो जाएगा ना, माइनस का डी बाई ए बी। तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एम जो आया बेटा वो आया ए डैश बी डैश बाई ए बी इंटू में डी बाई एफ ऑफ ई। अगर आप जरा ध्यान से देखो, ये जो फैक्टर पहला आया ये पहले लेंस का मैग्नीफिकेशन है और ये दूसरे का, अच्छा दूसरे का कौन सा, ये वाला। आपको याद होगा हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में जब एक लेंस से फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी बनाई थी तो उसका यही फॉर्मूला था डी बाई एफ ई। तो यानी ये इनडायरेक्टली हमारे पास
मैग्नीफिकेशन ऑफ एम ओ इंटू मैग्नीफिकेशन ऑफ एम ई इसके बराबर आया, जो हमने लास्ट टाइम भी देखा कि भाई एम जो आया हमारे पास क्या आया, वो ऑब्जेक्टिव की और आईपीएस की दोनों की मैग्नीफिकेशन का मल्टीप्लाई आया, जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पहले केस में भी था जब फाइनल इमेज डी बन रही थी, अब भी ऐसा है। बस फर्क क्या पड़ गया, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन वो ए डैश बी डैश बाई ए बी अभी भी वही है, लेकिन यहाँ पर ये जो बन गया बेटा ये बन गया डी बाई एफ ई, ये एट इन्फिनिटी वाले केस के अकॉर्डिंग आ गया। और ये वही सिंपल सिंपल क्या जो आपको पता है भाई, इसको भी हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, पहले डायग्राम को ऊपर ले जाता हूँ मैं, ठीक है बेटा। इन दोनों की वैल्यूज लिख देते हैं, देखो ए डैश बी डैश एक्चुअल में ए डैश बी डैश बाई ए बी, ये मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्टिव की है, तो मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्टिव को वी बाई यू भी लिख सकते हो, तो ये वी ओ है बाई माइनस ऑफ यू ओ है बिकॉज ये लेफ्ट में है, इंटू में डी बाई एफ ई, तो बिल्कुल सेम वैसा सा ही फॉर्मूला बन रहा है जो हमने फर्स्ट केस में किया था। बस फर्क क्या है, वहाँ पर बेटा वन प्लस लिखा हुआ था, ठीक है, इसमें हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। एंड इसको भी फर्दर चेंज करें अगर हम एक स्पेशल केस पे ले गए, वैसे न्यूमेरिकल के लिए ठीक है फॉर्मूला, यहाँ तक रिक्वायर्ड फॉर्मूला है, फिर भी अगर अगर मैं मानता हूँ इफ़ वही अगेन यू ओ इज़ अप्रोक्सीमेटली एफ ओ, यानी इस ऑब्जेक्ट को मैं खिसका के आगे ले जाऊँ और इसको अप्रोक्सीमेटली मैं एफ ओ के बराबर मान लूँ, तो ये भी इमेज खिसक के आगे चली जाएगी, तो ये जो है अप्रोक्सीमेटली एल के बराबर हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्यूब के, तो देन जो है बेटा वी ओ है वो अप्रोक्सीमेटली एल के बराबर हो जाएगा, तो ये जो फॉर्मूला है ये क्या बना, m इज इक्वल्स टू एल बाई माइनस का एफ ओ इंटू में डी बाई एफ ओफ ई, ये एफ ओफ ई था, ओ नहीं था, ये एफ ओफ ई था, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया रिक्वायर्ड फॉर्मूला, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला भाई, यही है रिक्वायर्ड फॉर्मूला, कब व्हेन फाइनल इमेज कहाँ हो, इमेज इज एट इन्फिनिटी हो तब। अब दोनों केसेस को मैं अगर लिखना चाहूँ ताकि थोड़ा सा कंपेयर एंड कॉन्टेस्ट कर पाओ, तुम जब हमें एट डी इमेज चाहिए थी और हमें एक चाहिए थी एट इन्फिनिटी, तो हमने दोनों ही केसेस में जो है फॉर्मूला बनाया था बेटा, अगर आपको याद होगा हमने इस केस में जो फॉर्मूला बनाया एम का वो है एल बाई माइनस का एफ ऑफ ओ, और यहाँ मल्टीप्लाई में था वन प्लस डी बाई एफ ऑफ ई, और यहाँ इस केस में m का जो फॉर्मूला था वो था l बाई माइनस का एफ ओ, और यहाँ पर था इंटू डी बाई एफ ई, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किए थे, ठीक है, ये फॉर्मूले हमने बेटा दोनों ही क्या किए थे, ड्राइव किए थे, तो मैं यहाँ इनको दिखा देता हूँ। अच्छा, इससे कुछ इम्पोर्टेंट केस हमारे पास आते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो कि आपको अबाउट माइक्रोस्कोप पता होने चाहिए और एग्जाम स्पेसिफिक है, डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। जैसे दोनों ही फॉर्मूले में अगर देखें आप, तो आपको एक बात कॉमन मिल रही है कि m जो है बेटा वो नेगेटिव है दोनों ही केस में। इंडिकेट क्या करता है कि जो बिल्कुल लास्ट में जो फाइनल इमेज हमें ऑब्टेन होती है वो क्या है, इन्वर्टेड है, फाइनल इमेज क्या है, इन्वर्टेड है, प्लस में वो वर्चुअल जरूर है, ठीक है, यह ध्यान रखना वर्चुअल जरूर है वो, ठीक है, साइज में मैग्नीफाइड है, अरे वो तो हमें चाहिए ही चाहिए, मैग्नीफिकेशन चाहिए तभी तो माइक्रोस्कोप का यूज़ कर रहे हैं। दूसरा कि आप अगर जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर आपको शायद पता लग रहा है कि m जो है वो दोनों के ही एफ ओ के भी एंड m जो है वो एफ ई दोनों के ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों ही एफ ओ और एफ ई शॉर्ट फोकल लेंथ के हो तो अच्छा है, शॉर्ट फोकल लेंथ के, शॉर्ट फोकल लेंथ से होगा क्या कि जो m है वो हमें ज़्यादा मिलेगी मैग्नीफिकेशन, ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा पावरफुल होगा, पावर भी इनडायरेक्टली बोलो तो ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, साइज़ या अपर्चर में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, साइज़ और अपर्चर का डिफरेंस है भाई, तो वो रखना है, तो उस केस में जो ऑब्जेक्टिव है वो छोटे साइज़ का अपर्चर का हो और जो आईपीस है वो बड़े साइज़ या अपर्चर का होना चाहिए, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें किसके बारे में बेटा, हमारी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, इस तरह से हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ये दो फॉर्मूले बनाते हैं। एंड वन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट केस जो है वो क्या है, वाइल डूइंग न्यूमेरिकल, ठीक है ना, जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो एक बात का ध्यान रखना, साइन यूज मत करना, डोंट यूज साइन, बिकॉज ऑलरेडी हमने ये कर रखे हैं, ऑलरेडी यूज इन फॉर्मूला,
बिकॉज हमने ये जो फॉर्मूला बनाया है ये ऑलरेडी साइन को यूज़ करके बनाया है। तो अब आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन कर रहे हो डी आया, तो तुम यहाँ माइनस का 25 पुट करोगे? नहीं ना, डायरेक्ट 25 फोकल लेंथ डायरेक्ट जो भी है वो पुट कर देना, क्योंकि ये हम ऑलरेडी साइंस के साथ फॉर्मूला बना चुके हैं, तो दोबारा फर्दर साइन मत पुट करना, आंसर जो है गलत आ जाएगा। तो बेटा इस तरह से हमने जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसके अंदर हम टेलीस्कोप पढ़ेंगे, एक सिंगल वीडियो के अंदर टेलीस्कोप का पूरा कंसेप्ट पढ़ लेंगे, जिसमें रिफ्लेक्टिंग टाइप रिफ्रैक्टिंग टाइप दोनों पढ़ेंगे, और ख़ासकर जिसमें मैं आपको जो है एस्ट्रोनॉमिकल और जो टेरेस्ट्रियल वो सब बता दूंगा, तो वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो वीडियोज़ अगर अच्छी लगती हैं तो यार लाइक ज़रूर किया करो, शेयर ज़रूर करो अपने दोस्तों के साथ। तब तक स्टे सेफ स्टे हैप्पी, जय हिंद जय भारत।